नमस्कार। खबर बिजनौर से है, जहां कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नजीबाबाद बस्ती में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। वहीं घरों में 5 फीट जल भराव होने से काफी नुकसान हुआ है, साथ ही खान पान का सभी सामान खराब हो गया है। लोगों की समस्याओं को देखते हुए फिल्म निर्माता और भाजपा कार्यकर्ता वसीम कुरैसी ने नजीबाबाद में पीड़ित परिवारों को खाने के पैकेट वितरित किए हैं। फिल्म निर्माता वसीम कुरैसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने शहर नजीबाबाद के हालात देख कर यह फैसला लिया कि उनकी मदद की जाए। बता दें यह मदद लगभग एक हफ्ते तक जारी रहेगी। हमारे नगर नजीबाबाद में कई मोहल्लों में कई दिन से बारिश होने की वजह से पानी काफ़ी आ गया और वहाँ लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वसीम भाई ने उनके लिए खाने का इंतजाम किया है और ये सब इन मोहल्लों में पहुँचाया जा रहा है। हमारी पूरी टीम वसीम भाई की इस काम में लगी हुई है। नमस्कार। हमारे मोहल्लों में शहर के कि जिसमें महल में पानी चला गया और खाने की परेशानी बढ़ी, ये खाने का इंतजाम वसीम भाई की तरफ से पूरी टीम लगी हुई है और एक हफ्ते तक का इंतजाम पूरा करा रहा है और जितनी भी ज्यादा से ज्यादा होगी पानी का उसका खाने पीने का। सर माधोगढ़ और रामपुरा होंगे। खबर जालौन से है, जहां गैर कानूनी तरीके से अर्जित की गई संपत्ति पर कानूनी हंटर चला। वही माफियाओं के करीब 6 करोड़ रुपए की अधिक संपत्ति कुर्क की गई है। आपको बता दें कि जनपद जालौर में चौथी बार माफियाओं की संपत्ति कुर्क की गई। वहीं 10 ट्रक और 1 स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त कर दंडात्मक कार्रवाई की गई। सर माधोगढ़ और रामपुरा उमरी पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई, क्या है सर जानकारी? क्या गैंगस्टर एक्ट में ये श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा सीज किए गए थे वाहन 14 के तहत और 10 ट्रक और 1 स्कॉर्पियो सीज किया गया है, जिसकी कुल कीमत 4,62,00,000 रुपये है। जी सर, और भी इसमें सम्मिलित हैं सर? पहले भी कुर्की हुई थी सर? पहले भी हुई थी, अभी और भी सम्मिलित है। देवरिया से है, जहां सलेमपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कस्बा सलेमपुर में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा कैंप लगाया गया। आपको बता दें कि राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन द्वारा हमेशा मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा कैंप लगाया जाता है, जिससे गरीब असहाय लोगों को मुफ्त में इलाज और दवा वितरित किया जाता है। वही मुफ्त में इलाज और दवा मिलने से कैंप में लोगों के चेहरे पर खुशी देखी गई और लोगों ने राजेश सिंह फाउंडेशन को धन्यवाद दिया। राजेश सिंह समाजसेवी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये कैंप 2 दिन के लिए लगाया गया है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आकर इसका लाभ उठाएं। बाबा क्या नाम है आपका? सुहास सर। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बेलपार। बाबा ये जो मुफ्त में शिविर लगा है, इलाज किया जा रहा है, आप यहाँ आए हैं, दिखाएं कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है। किस चीज क्या परेशानियां? होकर चलता था आराम में, उसके वजह से डॉक्टर साहब को आप दिखाए हैं, दवा आपको मिली है? मिली है। दवा का पैसा लिया गया? नहीं, मुफ्त है, इलाज मुफ्त है। क्या कहना चाहेंगे जिनके सौजन्य से ये कैंप लगाया गया, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद मिलेंगे। नमस्कार।